वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सेल की क्लास। जो आज की क्लास है वो एक डेमो क्लास है जो सभी के लिए फ्री वीडियोस में अवेलेबल है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे एक्सेल को स्टार्ट करते हैं, कैसे एक्सेल शीट को क्रिएट करते हैं और उसके बारे में हम तमाम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास एक्सेल है। यदि आपके पास एक्सेल नहीं है तो उसे आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको एक फ्री ट्रायल के रूप में मिलेगा। हालांकि अगर आप खरीदेंगे तो उसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ रही है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रायल वर्जन डाउनलोड करें गूगल पर एक्सेल टाइप करके माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करके ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। माइक्रोसॉफ्ट का जो लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे रहा हूँ, तो आप वहां से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप क्लास में ये वीडियो देख रहे हैं तो भी आपको फ्री वीडियो सेक्शन में जाना है और वहां पर ये वाला जो वीडियो मिलेगा इस पर क्लिक करेंगे तो YouTube पर चले जाएंगे। उसके डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जिस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप भी एक्सेल डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आपने एक्सेल को डाउनलोड कर लिया है गूगल से, देन यू हैव टू ओपन द एक्सेल। और एक्सेल ओपन करने के लिए आपको सबसे पहला क्या करना है, विंडोज प्लस आर प्रेस करना है। विंडोज का साइन आ रहा है आपके कीबोर्ड पर, प्लस आर यानी विंडोज को दबा के रखना है, उसे छोड़ना नहीं है। और उसके साथ साथ आपको आर बटन प्रेस करना है। तो जैसे ही आप विंडोज प्लस आर दबाएंगे आपको ये रन का बॉक्स दिख जाएगा। यहाँ पर अगर आप एक्सेल टाइप करेंगे और अगर एक्सेल आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है तो वो एक्सेल ओपन हो जाएगा। मेरे पास 2010 का एक्सेल वर्जन है और जितनी भी चीज़ें मैंने वहाँ लिखी है हमारे कोर्स के डिस्क्रिप्शन में, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसी एक्सेल पर सिखाने वाला हूँ। एक बात और है दोस्तों, अगर आप एक्सेल विंडोज प्लस आर से ओपन नहीं करना चाहते तो यहाँ पर एक सर्च बॉक्स आता है, इस सर्च बॉक्स में भी आप एक्सेल टाइप करके ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, मैंने एक्सेल टाइप किया तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ गया है, उस पर आप एंटर मारेंगे तो एक्सेल की एक फाइल और ओपन हो जाएगी। ऐसे आप कितनी भी फाइलें ओपन कर सकते हैं। फिलहाल मैं एक फाइल क्लोज कर रहा हूँ, एक एक्सेल को मैंने क्लोज कर दिया और जो पहले मैंने विंडोज प्लस आर दबाकर एक्सेल खोला था वो मेरे सामने आ गया है। ये दिखने में कुछ अजीब सा नहीं लग रहा आपको? कुछ डब्बे 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 बॉक्स 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 आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। कितने सारे बॉक्सेस हैं जरा एक बार सबसे आखिरी बॉक्स में जाके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 सबसे एंड में जाओगे तो पाओगे कि टोटल 1,48,576 रोज हैं। कितनी रोज हैं? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, रो 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 और टोटल है 1,48,576 रोज। इतनी सारी रोज हैं। और कॉलम कितने हैं सर? ए है, बी है, सी है, डी है और सबसे आखिरी में जाएंगे तो एक्स एफ डी है। इन कॉलम्स को काउंट कैसे करेंगे, कितने कॉलम्स हैं? एक तो है कि गूगल कर लीजिए और देखिए कि एक्सेल में कितने कॉलम होते हैं। दूसरा है थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए। आपको यहाँ पर डब्बे डब्बे दिख रहे होंगे, ये जो डब्बे डब्बे आपको दिख रहे हैं ना दोस्तों, इसे हम सेल बोलते हैं। यानी कि एक रो और एक कॉलम का जहाँ इंटरसेक्शन होता है वो एक डब्बा एक सेल है, जिसमें आप जो चाहें लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपकी स्क्रीन पर लिखा है, जो भी दबाएंगे इसमें लिखा हुआ आ जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे तो आप नेक्स्ट सेल में चले जाएंगे। यदि आप राइट वाली सेल में लिखना चाहते हैं, एम कॉलम में लिखना चाहते हैं, तो आपकी जो एरो की है आपके कीबोर्ड पर उसको राइट 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 वाली की प्रेस करके आप यहाँ तक आ सकते हैं। और यदि आपका इस सेल में लिखने का कुछ मन है तो आप कुछ भी दबाएंगे वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फिलहाल अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट करके आप डिलीट की कमांड दबा सकते हैं और वो चीज़ डिलीट हो जाएगी। अभी तक मैंने आपको सिखाना कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, सिर्फ ये जो ए बी सी डी करके जो एंड तक कॉलम आ रहे हैं वहाँ तक कैसे पहुँचें और उन्हें कैसे काउंट करें, उसके लिए मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया कि कैसे आप एक सेल के अंदर वैल्यू डाल सकते हैं। तो यदि मैं इस सेल में 1 की वैल्यू डाल देता हूँ, और कॉपी पेस्ट करना तो आप सभी को आता है, जैसे कि आप नॉर्मल फाइल और फोल्डर को कंट्रोल सी करके कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी करके पेस्ट करते हैं, जो कमांड आपकी स्क्रीन पर आ रही है, जी हाँ वैसे ही आप इस सेल को कॉपी कर सकते हैं। जब आप कॉपी प्रेस करेंगे तो देखिए ये थोड़ी सी हाइलाइटेड सेल हो गई, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ चल रही है इसके चारों तरफ, यानी कि इसको मैंने कॉपी कर लिया है। अगर मैं कंट्रोल और शिफ्ट दबा के राइट वाला एरो प्रेस कर दूँ तो इसका मतलब मैंने वो सारी सेल सेलेक्ट कर ली है। और यदि मैं इन सारी सेल पर कंट्रोल वी की कमांड पेस्ट कर दूं तो इसका मतलब हो गया कि मैंने 1 जो था वो सारे कॉलम्स पर मैंने 1 एंटर कर दिया है। अगर मैंने पहले बॉक्स में 1 लिखा और दूसरे बॉक्स में 1 लिखा, अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो 1 + 1 2 होना चाहिए।
अगर आप नीचे देख सकते हैं एक्सेल में जहां पर मैं अपना एरो लेकर आया हूं, वहां पर आ रहा है काउंट इज टू और इन दोनों का जो सम है वो भी टू है। ये ऑटोमेटिकली आपको सम भी दिखा रहा है और कितनी एंट्रीज है वो भी दिखा रहा है। फिलहाल मैं एंट्री देखना चाहता हूँ कितनी एंट्रीज हैं। यदि मैं सारी सेलेक्ट कर लूँ, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ एंड तक अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ, तो मैंने सब सेलेक्ट कर लिया, तो टोटल कितनी चीज़ें मैंने सेलेक्ट करी वो यहाँ पर आ रही है 16,384 मैंने चीज़ें सेलेक्ट करी है। यानी कि 1, 2, 3, 4 जितने कॉलम हैं उनका टोटल कितना है 16,300 कॉलम है और 10,48,000 के करीब मेरी रोज हैं। रोज समझते हैं आप, ये जो लंबी वाली लाइन है इसको रो बोलते हैं और जो ये वर्टिकल लाइन है ऊपर से नीचे वाली इसे हम कॉलम बोलते हैं। तो कॉलम और रो में आपको खेलना आना चाहिए। फिलहाल मैं सारी चीज़ डिलीट कर देता हूँ क्योंकि आपको पता लग चुका है कि रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं। तो आपको सिखाना स्टार्ट करता हूँ। जब भी आप एक्सेल फाइल को ओपन करें, जिस भी चीज़ के लिए आप ओपन करें, सबसे पहले उसे कहीं पर सेव करके रख लें। कारण ये है कि अगर आप एक्सेल में अपना काम करने लग गए और बीच में गलती से आपका लैपटॉप बंद हो गया, कंप्यूटर क्रैश हो गया या कुछ भी हो गया, एक्सेल की फाइल अटक गई, तो बहुत दिक्कत हो जाती है उस फाइल में जितना काम किया उसको वापस लाना। सबसे पहला जो आप काम करेंगे वो आप यहाँ पर एक्सेल फाइल ओपन करने के बाद फाइल में जाएंगे और फाइल में जाने के बाद इसको आप सेव करेंगे। आप सेव भी कर सकते हैं, सेव एज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेव पर क्लिक करा है और आप इस फाइल का जो नाम देना चाहें वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सेल ट्रेनिंग और मैं यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये एक्सेल की फाइल मेरी सेव हो गई है। जैसे जैसे मैं काम करूँगा एक्सेल ऑटोमेटिकली ऑटो सेव करते रहेगा और दूसरा अगर मुझे लगेगा कि नहीं मुझे भी सेव कर लेना चाहिए, तो मुझे सिर्फ यहाँ पर जो सेव का बार आ रहा है सबसे ऊपर, जिसकी शॉर्टकट कमांड है Ctrl+S, यानी कंट्रोल जो लेफ्ट में आपके आ रहा है कीबोर्ड में सबसे नीचे, वो कंट्रोल के साथ आपको दबाए दबाए एस को दबाना है। तो जितना भी काम आपने करा है उस टाइम सारा का सारा काम वो सेव हो जाएगा इसी वर्कबुक में। और उसके बाद अगर ये एक्सेल फाइल क्रैश भी हो जाती है या आप क्लोज करके सेव नहीं भी करते, तो जब आपने Ctrl+S प्रेस किया था, सेव बटन पर क्लिक किया था, वहां तक का काम तो आपका सारा सेव हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, जनरली जितना भी काम होता है थोड़ी थोड़ी देर में, 1-2 मिनट में Ctrl+S प्रेस कर लेता हूँ ताकि जितना भी मैंने काम किया वो ऑटोमेटिकली सेव होते रहे। और क्योंकि मैं फाइल को ऑलरेडी सेव कर चुका हूँ तो इसी फाइल में ऑटोमेटिकली चेंजेस होते रहेंगे, मुझे कोई नई एक्सेल की फाइल अब बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने सीखा दोस्तों एक्सेल की फाइल कैसे बनाते हैं। अब ये जो फाइल है दोस्तों, इसके सबसे ऊपर नाम आ रहा है फाइल का जो है एक्सेल ट्रेनिंग, जो इसके सबसे नीचे है Sheet 1, Sheet 2, Sheet 3, वो शीटों का नाम आ रहा है। यानी कि जो ये आपने 10,40,000 रोज और 16,300 कुछ कॉलम्स का आपने देखा, एक पूरी की पूरी स्प्रेडशीट जिसे हम बोलते हैं, ये एक स्प्रेडशीट नहीं, एक फाइल में आप कई स्प्रेडशीट लगा सकते हैं अगर आप और स्प्रेडशीट लगाना चाहते हैं। पहले मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर रहा हूँ। मान के चलते हैं कि आपके पास एक शीट है Sheet 1, आप चाहते हैं कि नहीं मैं ऐसी एक शीट और बना लूँ, यानी पहली शीट में मैं कुछ डेटा को डालूंगा, दूसरी शीट में मैं कुछ और डेटा रखना चाहता हूँ, बट दोनों एक ही फाइल के अंदर रखना चाहता हूँ, तो आप Sheet 1 के साथ यहाँ पर क्लिक करके एक और शीट ओपन कर सकते हैं। यदि आप एक शीट और चाहते हैं तो ये एक और ओपन कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये शीट ओपन हो जाएगी, जब आप Sheet 1 पर क्लिक करेंगे तो Sheet 1 ओपन हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, कुछ भी मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है। यदि मैं Sheet 4 पर क्लिक करूँगा तो फिर से एक मुझे फ्रेश शीट मिलेगी, वही 10,10,50,000 रोज और 16,300 कॉलम। अगर यहाँ मैं कुछ लिख दूँ और नेक्स्ट शीट पर आ जाऊँ तो एक और मुझे फ्रेश शीट मिलेगी। एक फाइल के अंदर कितनी भी शीटें लगाई जा सकती है। और अगर आपको लगता है मुझे इन ज़्यादा शीटों की ज़रूरत नहीं है, तो इन पर राइट माउस का क्लिक करके डिलीट बटन प्रेस किया जा सकता है, जिससे आप इन्हें डिलीट भी कर पाएंगे। राइट क्लिक करेंगे, डिलीट पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिलीट पर क्लिक करेंगे। और अगर आपको लगता है नहीं मुझे चाहिए तो सही, बट कुछ टाइम के लिए मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ, यानी कि जो इस पर लिखा है वो काफ़ी पुराना हो गया है, बट मैं चाहता हूँ कि ये डिलीट ना करूँ बट मुझे दिखना बंद हो जाए, तो आप हाइड बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप हाइड बटन पर क्लिक करते हैं तो वो फाइल तो यहाँ पर सेव हो गई है पर किसी को दिखेगी नहीं, क्योंकि वो काम की फाइल नहीं है। यदि आप देखना चाहते हैं कितनी फाइल्स आपने हाइड करी है, तो फिर से आप राइट क्लिक करके
अनहाइड बटन पर क्लिक कर सकते हैं, जिसमें आपको जितनी भी हाइड करी हुई शीटें हैं वो दिख जाएगी, और अगर आप उस पर क्लिक करेंगे सेलेक्ट करके तो वो वापस से हाइड वाली जो है शीट अनहाइड हो जाएगी। तो यहाँ तक की आपको बात समझ में आई कि एक्सेल हमने कैसे ओपन किया, एक्सेल में हमने कैसे शीट को क्रिएट किया, शीट एक शीट तो ऑटोमेटिकली थी और शीट हमने कैसे ऐड करी। इन शीट को आप रीनेम करना चाहें वो भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप इस शीट के नाम पर जहाँ शीट वन लिखा है उस पर डबल क्लिक कर देंगे, माउस ले जाकर डबल क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ एक्सेल इंट्रो, तो शीट का भी मैंने नामकरण कर दिया। पहले मैंने फाइल का नामकरण किया था सेव करके, और अब मैंने एक्सेल इंट्रो लिखकर इस शीट का भी नामकरण कर दिया है। यहाँ पर जो शीट फोर है इसमें मैं लिख देता हूँ एक्सेल फॉर्मेटिंग। जब मैं आपको फॉर्मेटिंग सिखाऊंगा तो इस एक्सेल शीट में सिखाऊंगा, फिलहाल के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए आपको सिर्फ डिलीट का बटन प्रेस करना है जो आपके कीबोर्ड पर है, सेल पर ले जाइए और डिलीट का बटन प्रेस कर दीजिए। अब मैं इस शीट में आ जाता हूँ दोस्तों एक्सेल इंट्रो। तो यहाँ पर कुछ कॉलम्स हैं, कुछ रोज हैं, दोनों के इंटरसेक्शन पर एक सेल है जिसमें यदि आप कुछ एंटर करना चाहें तो आप अपने कीबोर्ड से टाइप करके कर सकते हैं। डेटा कैसे एंटर करेंगे आओ देखें। सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ सीरियल नंबर, सीरियल नंबर को शॉर्ट में मैंने s.no लिख दिया है। यहाँ पर लिखते हैं नेम ऑफ द एम्प्लॉइज, नेम ऑफ द एम्प्लॉइज के बाद लिख देते हैं उनकी एज कितनी है, या मान लेते हैं उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग कितनी है। आपने एक एम्प्लॉइज का डेटा बनाया है जिसमें आपने उनका नाम और उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखी है। हालांकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो नेम ऑफ द एम्प्लॉय काफ़ी बड़ा है और इतनी छोटी सी सेल में आ नहीं पा रहा। आप चाहें तो यहाँ पर बी और सी के बीच में ये जो एरो आ रहा है इस पर जब डबल क्लिक करेंगे तो जितना बड़ा आपका नाम होगा उस सेल में उतनी बड़ी ये सेल हो जाएगी। तो इसका मतलब आप सेल को बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं, आप कभी भी कितना बड़ा और कितना छोटा कर सकते हैं। जैसे आपने बी कॉलम को किया है वैसे ही आप सी कॉलम के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने ये तीन चीज़ें लिख ली है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ द एम्प्लॉइज एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अब ये डेटा मैं बना रहा हूँ आपके सामने, जैसे कि सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, पांच एम्प्लॉय का नाम हम लिखेंगे। पहले एम्प्लॉय का नाम है राम, दूसरे का नाम है श्याम, तीसरे का नाम है प्रशांत, चौथे का नाम है रामू, और लास्ट जो नाम है एम्प्लॉय का वो लिख देते हैं प्रीति। भाई सारे लड़के हो गए, एक लड़की का नाम भी लिख लेते हैं। चलो अब पांचों लोगों का नाम हो गया है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इनकी क्या थी वो आपको अब लिखनी है। तो दोस्तों डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम कुछ भी लिख सकते हैं, मान के चलते हैं अभी इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 1 जनवरी 2019। जैसे ही मैंने 1 जनवरी 2019 लिखा ये ऑटोमेटिकली डेट के फॉर्मेट में आ गया। इन्होंने ज्वाइन करा था 2 फरवरी 2019, प्रशांत ने ज्वाइन किया था 4 फरवरी 2019, रामू ने ज्वाइन किया था 7 जून 2019, और प्रीति ने ज्वाइन किया था 9 सितंबर 2019। तो जैसे ही आपने लिख लिया आपका ये डेटा बन गया है। इस डेटा को आप सेव कर सकते हैं, सेव करने के लिए आपको बस यहाँ सेव बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। क्योंकि ये वर्कबुक आप ऑलरेडी बना चुके हैं इसके लिए आपको सिर्फ सेव बटन पर क्लिक करना पड़ेगा, जो आप कंट्रोल प्लस एस दबाकर भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, ये एम्प्लॉयज़ का जो ई लिखा हुआ है क्या मुझे इसको ई को बड़ा कर देना चाहिए? अगर आप चाहते हैं ई को बड़ा करना तो इस पर आप सेल पर डबल क्लिक करेंगे और आप ई को सेलेक्ट करके बड़ा कर देंगे। लिखने के लिए तो दोस्तों कीबोर्ड का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। सिमिलरली आप जे को अगर बड़ा करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करेंगे सेल पर और जे को सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे और बड़ा जे लिख देंगे, तो अब दिखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ये डेटा मैंने एंटर करा है और मैंने यहाँ पर सेव कर दिया है। अब मैं इस वर्कबुक को क्लोज कर रहा हूँ। यदि वर्कबुक को दोबारा ओपन करना चाहता हूँ तो जहाँ पर आपने फाइल को सेव किया है एक्सेल ट्रेनिंग जो हमने नामकरण किया था उस पर आप एंटर मारेंगे तो ये वर्कबुक दोबारा से ओपन हो जाएगी। जितना काम आपने किया था वो सारी डिटेल यहाँ पर सेव हो गई है। दोस्तों जब हम प्रैक्टिकली ऑफिस में जाते हैं तो डिटेल आपको 4-5 एम्प्लॉयज़ की नहीं मिलती है, बल्कि हो सकता है 10,000 एम्प्लॉय की डिटेल मिले या हज़ारों एम्प्लॉयज़ की डिटेल मिले। वो लिस्ट जो होगी वो बिल्कुल नीचे तक आएगी और जो कॉलम होंगे उसमें
नेम ऑफ द इम्प्लॉई के साथ उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उनकी बेसिक सैलरी, एचआरए, अगर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, और बहुत सारी तमाम चीज़ें आगे 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 लिखी होगी, खूब सारी चीज़ें लिखी होगी, तो बहुत ही बड़ी फाइल बन जाएगी। फिलहाल हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी, इसके लिए मैंने आपको एक्सेल फाइल क्रिएट कैसे करते हैं वो समझाया। एक्सेल फाइल जो आपने क्रिएट करी है एक्सेल ओपन करने के बाद, उसको सेव कैसे करते हैं वो सिखाया। एक्सेल में कितने रोज कॉलम होते हैं वो आपको सिखाया। एक्सेल में डेटा डालने के लिए क्या करना होता है वो आपको सिखाया। अगर आपको सेल में कुछ एडिट करना है तो उस पर आप डबल क्लिक करके जो चीज़ आपको चेंज करनी है वो आप कर सकते हैं, वो भी आपको सिखाया। अगर आपकी सेल छोटी है और उसे आप बड़ा करना चाहते हैं जितने में अक्षर आ रहे हैं, तो आप इस पर डबल क्लिक करके इसे बड़ा कर सकते हैं, वो आपको सिखाया। साथ में आप जो शीट्स हैं वो अलग अलग शीटें एक ही फाइल के अंदर बना सकते हैं और कितनी भी शीटें बना सकते हैं। यदि आपको शीट की ज़रूरत नहीं है पर आपको लगता है फ्यूचर में ज़रूरत पड़ जाएगी तो आप उसको हाइड कर सकते हैं, और यदि ज़रूरत है ही नहीं तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं। यदि मैं शीट को हाइड करता हूँ जब ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि जब हम आगे वाली क्लासेस में सीखेंगे फॉर्मेटिंग, तब मैं ये वाली शीट को अनहाइड कर लूँगा, और अनहाइड करने का मतलब ये मुझे दिखने लग जाएगी। शीट की रीनेमिंग कैसे करते हैं वो भी सिखाया मैंने। डबल क्लिक करते हैं और उस पर आप नाम लिख सकते हैं, उसका नामकरण कर सकते हैं। ये था एक्सेल का फर्स्ट बेसिक लेक्चर। इसके बाद आपको असाइनमेंट मिलेगा इसका, कि आपको भी ऐसी एक्सेल फाइल अपने घर में क्रिएट करनी है, उसमें आपको डेटा एंटर करके देखना है। अगर डेटा बड़ा एंटर हो जाता है तो सेल को बड़ा कैसे करना है वो देखना है, शीटों का नामकरण करना है, एक्सेल फाइल को सेव करके क्लोज कर देना है। तो जितनी एक्टिविटीज़ हमने करी है वही एक्टिविटी आपको अपने घर पर करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, यानी कि आपको कुछ नहीं आता वहाँ से लेकर एक्सपर्ट एक्सेल तक, जो एक जॉब की रिक्वायरमेंट है वहाँ तक आपको सिखाया जाएगा। तो आप निश्चिंत रहें, इन्जॉय करें, ये जितनी चीज़ें हमने करी है उसे प्रैक्टिस करें दोबारा से, जिसका आपको एक असाइनमेंट मिलेगा, एक स्क्रीनशॉट मिल जाएगा जो हमने आज फाइनल प्रोडक्ट बनाया है, उसको देखकर आप अपने पास भी एक्सेल में सब चीज़ें कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, और ये जो अगला वीडियो रहेगा पेड कोर्स रहेगा, जिसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में देखा जा सकता है लर्नजब की, और 1 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है जो करीब करीब 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।